राम चरण महाराज रो और है कठिन त्याग बैराग सूतो सिंह जगावियो तो वो उठे पली तो आग उठे पली तो आग उठे पली तो आग और दार खोंडेरी बेणो काजल रे धर्माय उजल कपड़ा रे सगराम दास जन राम का और बेलागण दे नहीं दाग राम चरणी महाराज रो ऐ कठिन त्याग बैराग बैराग के महाराज की संसार सु किनारो कर देनो वीर जी तो कठिन है राम चरण महाराज रो उर के कठिन त्याग है बैराग क्योंकि बैराग महाराज बात करनी हो रही है हाँ अचल राम जी महाराज एक वाणी में लिखो है के कहनी कहे और रेणी रहे जू कहनी कहे जू ही महाराज अगर जे रेणी रहे तो उनका ही है के वाक्य प्रमाण सहेली अटकल गीता सभी कहे और साथी कहे नहीं कोई जो अब आपो ए जगह संत महात्मा रा शब्द है ए संतों वाणी लिखी है ईरे माथे अगर जगदिन यूं अमल करन लाग जावानी क्योंकि ज्ञान रा ए जगह विचार चंद्रोद में आठ साधन दिया है पहलो है जो विवेक है विवेक और विचार समाधि मुमुक्षता श्रवण मनन और निधिध्यासन तत्पद और तम पद का शोधन जबकि तीन मुख्य है श्रवण यानी कि सुनना और फिर बिन मनन करना और बिन महाराज अच्छे ढंग है जो अर्दे रमा बिने धारण करना महाराज जब कुछ प्राप्ति है राम चरण महाराज रूर के कठिन त्याग देराज सुतो सिंह जगावियो और उठे पली तो आग सिंह ने जगाओ और इन पकड़ो महाराज बराबर वाद है तो दरबार मान सिंह जी महाराज लिखियो है क्योंकि बाणी रो विषय बहुत ऊंचो है मान सिंह संसार में मान सिंह संसार में और तू कर सतपुर सारो संग बैठत कर दे आप सावे पलट देत है रंग पलट देत है रंग और अंग जो तू ही रावे बदल जाते भाव जबी वो भृंग कहावे कर्म कीट सब ही जले और जैसे जले रे पतंग मान कहे संसार में तो तू कर सतपुर साधु संग दरबार मान सिंह जी कह अगर ये संतों सानिध्य कर लियो सतपुरुषों रो संग कर लियो तो तारा जगह कर्म रूपी कीट है जगह जो महाराज चौमासेर मो बाद जगाओं ने खेत में दन बे पतंग आर क्यों पड़े है जो कर्म रूपी कीट है जगह हमारा सब ये जगह जल जाओ पर कोई संत रो संग करे जन सातु संग करे महाराज रेडीमेड है महाराज क्योंकि दवाई डॉक्टर कन जावे जन दवाई ले
और दवाई भी लिख दी, मेडिकल ले ली। अरे महाराज पांच सात दिन या जन दूसरे वेद कल जावे डॉक्टर कन जावे डॉक्टर साहब बीमारी तो बेटी को आगे कोई देखा हो? बोले वेर जी ने देश नो गणम तो कितना दिन रियो ट्रीटमेंट लियो? बोल दवाई तो मां पांच दिन और दी, मैं तो ली गोली कोन अगर आले मेल दी तो क्यों कहीं कहीं फिर ही ना बली। तो वो तो एक उदाहरण है यार महाराज, संत है अगर इस सिद्धांत में घटावनी तो संतरा शब्द तो है पर अन आपा धारण नहीं कर आजन बनी मेडिकल रे मां बैठो रो महाराज कोई हुए हैं। तो दरबार मान सिंह जी लिखे अरे आरे अगमरी आनींद में ए जोगिया अरे बिरला मौज उड़ाए अगमरी सोवन सस
काफर रहे जोगी अरे आसो निज जोग मिलाए अकबरी अरे नींद में ये जोगी अरे आ बिरला मोज उड़ा ए जोगी अरे ए भाई ओ तुरियम से जसवा सोयो है तो बे कोई महाराज जी बिरला है सोया असंगत नींद में अरे कौन जगावण जाए मन कौन जगावे महाराज अरे के कोई री ताकत नहीं तो के सोता ही सके जगाए किरी ताकत पड़े किरी हिम्मत पड़े जो को भी से कोई जोगियों ने महाराज जगावे
अगमरी नींद में लेके जो गया कोई बिरला मौज उड़ाए। क्योंकि दरबार मान सिंह जी एक फकीरी में लिखी हुए के बा मस्त आंसू काल रही डरता विषम काल डरे बा मस्त आंसू काल रही डरता के भी गावे विरे रा गीत। क्यों मैं तो खुद विरे में अरे जगत करे जोरी के गीत कौन सी वो राम होई भयभीत अरे फकीरी कौन जाने आजोगिया री रीत महाराज अरे अरे प्रीति करत के पलट जावी पल में भी आय बने विपरीत भी सारी महाराज प्रीति कौन जान सके। क्योंकि दृष्टांत में लिखी हुए महाराज एक बार कोई देव ऋषि नारद है जो आपने मृत्यु लोक में आया घूमने वास्ते जन कोई एक शेठानी ही जन भी नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ बोले हे देव ऋषि आप तो भगवान विष्णु रे अश प्रश हो अर मारे की औलाद कौन जुगमान थी पूछा के महाराज कोई शेठानी रे बाल गोपाल की हुए तो महाराज बड़ी चिंता हुई मुंडो उतर गयो बियारी नारद जी महाराज जब वापस मृत्यु लोक में आया तन धीरे से के बोले भाई भगवान विष्णु को एड़ी बात कही है कि तू तो ई जन्म री बात करे है यार थार हाथ जन्म में लिखोड़ो करो कारी कर्म हरि हरि। हां जन सेठ होनी री महाराज विचार मन में बड़ो भाई दुख होयो। अब एक दिन कोई नगर में है जो महाराज एड़े कोई फकड़ आर अलख जगाई मस्ताना जोगी एड़े क्यों भी रैंक में पूजूड़े कोई रात्रि 12 बजे कुड़ी बिकाई 12 बजे ने महाराज जो सर्दी ठंड ज्यादा पड़न लागी जण वो नगर में निकलियो ईंधन रे वास्ते। हां भाई कोई न कोई जे महाराज की लकड़ी बड़ी तो मिले तो आपा ने जो को महाराज अठे जो को धूनी गाल ई तो रात क्यों निकले ले हुई भी सेठोणी वाली गली आत आ गई महाराज अलाप लगाई क्यों अगर कई रे जरूरत हुए तो एक थे पीरो क्यों एक बेटो है हम भी टेमरो कौन जागे 12 बजे क्योंकि का तो महाराज जी है जो को जोगी जागे और का रोगी जागे और का कोई भोगी जागे महाराज सेठानी जागती भी विचार करियो तू रोवे कणी नारद जी आगे कणी फिर आ गई और एक यो थे पड़ियो रे हाथे पड़िया है आहा भगवान विष्णु ताई तू संदेश भेजे है क्यों आ बात है जण भर बठल थेपड़ियों रो एक काठो कुंडो एर लेजार महाराज रे आ गए जो वो सब समर्पित करियो एर महाराज जो कोई है के डोडो री झेर में उता ज्यों हाथ जो को महाराज आशीर्वाद दे तस तू भाई जा थेपड़ियों महाराज भगवान जी भी सी हम लेण कोई लेण हेटोणी लागी महाराज आ बात है हम कई तो कोई बार बार मेणा उन पछ कई बेले रही उन लागिया इयो कर मामलो गोल यो जगो महाराज पूरा ये जगो बरीज गयो आंगण कोई बाखड़ में को मावे मार बीता ने पोसावे कोई कई अंत जो मरा जों गयो हिड़ावे कई यो तड़ीड़ बजावे यो ही आ 21 साल बाद एक दिन नारद जी महाराज वापस से जगो मृत्यु लोक में आया जन भी गली आया जन कोई पड़ोसन ने पूछो बे टिंगर देखा तो कोई पड़ोसन की रे कोई थोने कई तेरोनी राय कानी कानी हां एक गरी जन भी पड़ोसन ने पूछे बोले भाई पहलो अठे भाई रहया करती यार हम क्यों अठ कोई स्कूल लगा ली कोई भी क्यों मारा स्कूल कोनी लगा ली जीते ने हानी जीते ठीक हो यार पच कोई था भगवान री कोई कुदरत हुई जो को पूरा ही 20 है घर बढ़ियो है नींद ही खोले उन्हें एक ही जेड़ा है जन जमींदार जी निकल गई भगवान हेठा नारद जी महाराज बैठो पढ़ झूठा यार भगवान विष्णु रखने गया कि विष्णु आवता देखे अंतर मन जान करके और भगवान विष्णु विचार करो नारद जी महाराज रा गड़बड़ हुई महाराज जन भगवान विष्णु देव ऋषि नारद ने कहो नारद जल्दी कर बोले महाराज तो कोई प्रसन्न देर आयो बोले प्रसन्न में दंडेर मो नाक तू यो कर के कोई ये जो मिनख रो काल जो लाज मार तभी ठीक कोन पेट दुख है महाराज जी निकल नारद जी महाराज बैठो आया इने बिने घूमिया यार बेड़ो ही कोई महाराज बैठे जो पकड़ो और
देख और क्यों किया घूमो महाराज। बोले भगवान विष्णु रो है जो महाराज आज बड़ी बारी है जो शरीर में व्याधि है और मिन करो क्यों काल दो सही जाए। भी विचार कर दर दिन क्यों। बोले हे नारद ओ मारो काल दो है जो भगवान रे काम तो है तेरा तुझको और पण क्या लागे मेरा बिरु दे उड़ो है महाराज जरड देनी सीर करके दियो। ए नारद जी महाराज लेजार भगवान विष्णु रे भेंट करियो। बोले नारद जका बेटा दे बे काल जा दे नहीं बे बे बेटा दे महाराज क्योंकि मारो वचन मन राखनो पड़े भगवान बारो तो जो एड़ा मारो वचन राखे। जण महाराज के थार कनी होली हां आवा दे हां आलू देव ना खाना दे जा काल दा कौन देवता दे क्या बात नरी जय महाराज जण महाराज के जागे तो सोना नहीं सोवे तो जागे ना और के सोवन जागन सु रहे परे सो निज जोग मिलाए अरे अगमरी नींद मेरी जोगिया कोई बिरला मोज उड़ाए। तो फिर महाराज कहे के जागृत स्वप्न सुसोपति नहीं। ये तीन अवस्था है जागृत और स्वप्न और सुसोपति। सुसोपति भी कहे के महाराज गहरी जगदी नींद आउंदी ना आंखियां मयो गीड आउडो ला दे आज तो खाने के दिन एक हुकनो कोई नो नींद बड़ी मस्त आई नींद तो रोजी नहीं आवे पण भी नींद में वो कोई है के सपना देखे नहीं बार बार दिन बा गहरी नींद कौन गिने सुसोपति कौन मारे बा पुरुष और के त्रिय में सेज समाए और बेखटकेरी नींद मेरी जोगिया सोया पछ डर है ना भी नींद में सो गयो तो पछ महाराज कोई डर कोई। जन दरबार मान सिंह जी कहे के देवनाथ गुरुदेव है देवनाथ जी महाराज देव है महाराज देवनाथ गुरुदेव है के हाथ पकड़ ले जाए अरे मान गुरु शिष्य एक है बट बाणी विलास थक जाए बट क्यों बाणी थके महाराज बाणी विलास थक जाए अरे अगमरी नींद मेरी जोगिया कोई बिरला मोह जुड़ाए। सच्चिदानंद भगवान की